हेलो मेरे दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल बीइंग अ सेलर। चलिए दोस्तों, आज हम लेके चलते हैं आप लोगों को लाइफ बोट पे। लाइफ बोट का एक वॉक थ्रू कर लेते हैं। तो अभी मैं बोट स्टेशन पे ही खड़ा हूँ, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। एक वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मस्टर स्टेशन क्या होता है, और मस्टर स्टेशन दिखाया भी था आप लोगों को। तो ये जो है आपका, ये हो गया आपका बोट स्टेशन। मस्टर स्टेशन और बोट स्टेशन में डिफरेंस क्या है दोस्तों? कोई भी अलार्म अगर बजता है आपका इमरजेंसी का, तो जो है सबको दौड़ के जाना रहता है मस्टर स्टेशन पे। और मस्टर स्टेशन पे जाने के बाद जो भी इमरजेंसी है, उस हिसाब से हम लोग जो है अलग 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 जगह पे चले जाते हैं अपना अपना ड्यूटी करने के लिए। और उसी टाइम पे अगर यू नो अबंडन शिप का अगर कोई ड्रिल है या इमरजेंसी है, तो जो है हम लोग फिर बोट स्टेशन में आएंगे। मतलब मस्टर स्टेशन पे आपको 100% क्रू मिलेगा, और बोट स्टेशन पे जो है आपको 50-50% अप्रोक्स मिलेगा। क्योंकि दो साइड पे आपका लाइफ बोट रहता है, तो आधा एक साइड पे और आधा एक साइड पे। मैं एक कार्गो वेसल की बात कर रहा हूँ जहाँ पे लाइफ बोट्स बहुत ज़्यादा है पैसेंजर शिप्स में, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो ये हो गया आपका बोट स्टेशन। बोट स्टेशन आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, देखिए कुछ रैंक्स यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये रैंक्स यहाँ पे असेंबल होगा। असेंबल होने के बाद जो है हेड काउंट लिया जाएगा। हेड काउंट लेने के बाद जो है अपने अपने ड्यूटीज़ अगर पता है तो परफॉर्म कर सकते हैं, अदरवाइज द ड्यूटी ऑफिसर विल मेक श्योर कि आपको आपका ड्यूटी पता है। तो ये करने के बाद जो है आप जाएंगे सीधा बोट पे। तो उसके पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ और दिखा भी देता हूँ कि कभी भी आपको लाइफ बोट कैसे लोअर करना है, इनकेस अगर आप भूल जाते हैं। तो बोट स्टेशन पे आपको हमेशा एक प्लाकर जो है प्लग किया हुआ दिखेगा, जो आप देख के आप कर सकते हैं। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि आप फुली इंक्लोज लाइफ बोट जो है कैसे लोअर करेंगे। पूरा यहाँ पे जो दिया हुआ है, यहाँ पे और भी आप देख सकते हैं, ये लाइफ राफ्ट भी है। इसको लेके वीडियो में एक दिन और बनाऊँगा, तो उसका भी ये लॉन्चिंग प्रोसीजर दिया हुआ है। तो मस्टर स्टेशन पे पहुँच गए दोस्तों। तो देख लीजिए, ये लाइफ बोट मेरे ऊपर ही है। अभी जाएंगे इसके अंदर, आप लोगों को दिखाऊँगा मैं। उसके पहले थोड़ा अरेंजमेंट दिखा देता हूँ। इसको लोअरिंग का बहुत इजी प्रोसेस है दोस्तों। ये फुल आपका हो गया एक लाइफ बोट। इसका लोअरिंग का मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को। इमरजेंसी पे जब भी यू नो सारे लोग रहेंगी आपके एक एक ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए, लेकिन इन केस अगर फॉर एग्जांपल अनफॉर्चुनेटली अगर सारे बंदे मर जाते हैं और जो है आप ही अकेले बचे रहते हो, तो अपना लाइफ बोट ऐसे डिज़ाइंड है कि कोई एक बंदा भी इसको आराम से लोअर कर सकता है। वो कैसे दोस्तों? देखिए, सबसे पहले जो है अगर लाइफ बोट पे कोई भी एक्स्ट्रा लैशिंग है तो वो आप निकाल दीजिए। निकालने के बाद जो है ये आपका है हार्बर पिन। मैं दिखा देता हूँ आपको, दिस इज़ योर हार्बर पिन। ये शिप पे, एक एक शिप पे ये डिफरेंट भी हो सकता है। ये हार्बर पिन आप निकालेंगे दोनों साइड पे। निकालने के बाद जो है यहाँ पे एक चार्जिंग, हमेशा चार्जिंग का प्लग जो है इन रहता है आपका लाइफ बोट के अंदर, जो बैटरी है उसको चार्ज करने के लिए। जैसे आप इमरजेंसी में बोट लेके चले आएंगे तो वहाँ पे इन केस नाइट टाइम है तो आपको लाइट की ज़रूरत पड़ेगा, तो लाइफ बोट पे लाइट भी फिट किया हुआ है, तो उसको जलाने के लिए बैटरी चाहिए। उस बैटरी को 24 आवर्स जो है कोई भी शिप पे जो है चार्जिंग प्लग से उसको चार्जिंग में ही डाला रहता है। वो निकाला जाता है जब आप इमरजेंसी में बोट लोअर कर रहे हो या ड्रिल पर्पज़ में आप लोअर कर रहे हो, तो वो प्लग निकालना है, एक्स्ट्रा लैशिंग निकालना है। निकालने के बाद जो है आप अंदर से भी लोअर कर सकते हैं, बाहर से भी लोअर कर सकते हैं। पहले बाहर का मैं बता देता हूँ आपको। ये अरेंजमेंट जो आप देख रहे हैं, दो वायर, ये आपका हो गया ब्रेक। जैसे ही सब रेडी हो जाएगा, सब लैशिंग आप निकाल देंगे, उसके बाद जो है इसको लिफ्ट करना है। इसको लिफ्ट करने से ही जो है आपका लाइफ बोट लोअर हो जाएगा। ये एक हैंडल दिया हुआ है मैनुअल हीव अप एंड लोअरिंग के लिए। तो ये हो गया आपका बाहर वाला अरेंजमेंट जिससे आप कर सकते हैं। और एक अरेंजमेंट है, ये एकदम बोट के नीचे है दोस्तों। तो बोट के नीचे से आप खड़ा होकर इसको लोअर कर सकते हैं, और जो है आप दूर में भी जाके लोअर कर सकते हैं। यहाँ पे भी दिया हुआ है, रिमोट रिलीज़ का एक सिस्टम दिया हुआ है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये एक रिमोट रिलीज़ का सिस्टम दिया हुआ है। इसको आप जो है पकड़ के खींचने से ये वायर सीधा कनेक्ट हुआ है आपका उसी ब्रेक के साथ, जिसको आप लिफ्ट करते हैं तो वो उठ जाएगा और जो है बोट आपका लोअर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये वायर आपका कनेक्टेड है, दिस वायर, ये आया वायर आपका आके जो है
ये वाला कनेक्टेड है, ये वाला, तो इसको आप खींचेंगे तो ये लिफ्ट हो जाएगा और जो है लाइफ बोट आपका लोअर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों लाइफ बोट के अंदर चलते हैं, देखते हैं लाइफ बोट के अंदर भी कैसा है। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ लाइफ बोट के अंदर, ये इसका एक्सेस पॉइंट, इससे हम लोग मैं जो है अंदर आ गया। ये आपका लाइफ बोट, आप देख सकते हैं ये बेल्ट्स एंड ऑल, ये सारे जो है आप बैठने का जगह है, इसमें आप बैठ के ये बेल स्ट्राइप्स है जिससे आप अपने आप को बांध लेते हैं। तो लाइफ बोट पर और क्या क्या है मैं दिखा देता हूँ। एक छोटा सा पोर्टेबल एक्सटिंग्विशर है और फायर के अंदर से जाने के लिए जो है लाइफ बोट के बाहर साइड पे जो है स्प्रिंकलर सिस्टम भी दिया होता है। तो एनीवेज चलिए मैं आपको इसका, ये एकदम सबसे ऊंचा वाला जो चेयर है ये स्टीयरिंग के लिए है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये लाइफ बोट का स्टीयरिंग है। इसको एक डेमो दे देता हूँ, मैं स्टार्ट तो नहीं करूँगा बस बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो है बैटरी, जैसे कि मैंने आपको बोला कि चार्जिंग पे रहता है हमेशा, तो इसके लिए देखिए ये बैटरी का स्विच है, इसमें दिया हुआ है कि बोथ वन टू एंड ऑफ। तो ये स्विच अभी ऑफ पे दिया हुआ है क्योंकि बैटरी आपका चार्ज हो रहा है। इमरजेंसी में जब आप लोअर करेंगे उस टाइम पे जो है वो प्लग आपको डिसकनेक्ट करना है और इसको वन या टू किसी में भी आप डाल सकते हैं, दो बैटरी है यहाँ पे, या सबसे बेस्ट रहेगा आप बोथ में डाल दीजिए। तो बोथ में आपने इसको डाल दिया, डालने के बाद जो है देखिए सीधा आप जो है एक एक लाइफ बोट का एक एक सिस्टम रहेगा इसका मैं आपको बता देता हूँ। तो ये ऑफ एंड रन वाला जो देख रहे हैं अभी जो ऑफ किया हुआ है, इसको हम लोग रन पे डालेंगे, रन पे डालने के बाद जो है सीधा हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे तो जो है आपका लाइफ बोट का इंजन स्टार्ट हो जाएगा। ये स्टीयरिंग दिया हुआ है, स्टीयरिंग को आप पोर्ट स्टारबोर्ड घुमा सकते हैं और ये इंजन कंट्रोलर है, इसको आप आगे करेंगे और पीछे करेंगे। अभी ये न्यूट्रल में है, आगे आपका हेड जाएगा और पीछे आपका स्टर्न जाएगा। तो ये जो है इंजन कंट्रोल, और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर भी काफ़ी सारे लाइट्स दिए हुए हैं, इसके सारे पैनल्स यहाँ पे दिया हुआ है स्विच, और ये आपका दिया हुआ है एक मैग्नेटिक कंपास। दोस्तों मैग्नेटिक कंपास दिया हुआ है ताकि आप जब निकले तब जो है आप कंपास का सहारा ले सकते हैं अगर आपको ज़रूरत पड़े। और भी इक्विपमेंट्स यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको दोस्तों, ये एक सर्च लाइट है आप देख ही सकते हैं लगा हुआ है, एनीवेज देख लीजिए, एक सर्च लाइट है फ्लैशिंग के लिए। उसके साथ साथ इस पे यहाँ पे और तो कुछ कंट्रोल नहीं है, ये हो गया, ये दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये हो गया आपका ऑनलोड ऑफलोड रिलीज, ये डंडा आप देख पा रहे हैं लीवर, और इसके साथ ही हो गया इसका ये अरेंजमेंट। ये अरेंजमेंट मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, मान लीजिए अगर लोअर आपको करना है पानी का, जो भी हो पानी में अगर आपको लोअर करना है एक डेढ़ मीटर ऊपर से या दो तीन मीटर ऊपर से, तब जो है इसका ये ऑनलोड ऑफलोड यूनिट आपका यूज़ होता है। इसको क्या करना है दोस्तों, एक मीटर या डेढ़ मीटर जो भी आप चाहिए, एक से दो मीटर के ऊपर आप रख के जो है लाइफ बोट को लोअर करके पानी से उतना लेवल से ऊपर रखने के बाद इस लीवर को आप खींचेंगे तो जो है जो हुक्स आपके कनेक्टेड है लाइफ बोट के साथ फॉरवर्ड एंड आफ्ट में, वो रिलीज़ हो जाएगा और आपका बोट जो है पानी में आ जाएगा। तो ये एक हाइड्रोस्टैटिक रिलीज यूनिट है, ये एक दिया हुआ है, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स है दोस्तों, इसके लिस्ट जो है आपको बुक्स में मिल जाएगा। फिलहाल मैं आपको जस्ट एक वॉक अराउंड करवा देता हूँ। ये एक आपका आफ्ट डोर हो गया, एक जिस डोर से मैं एक्सेस किया ये आपका पोर्ट साइड का डोर है, ये आपका हो गया एक स्टारबोर्ड साइड का डोर, और एक है आपका फॉरवर्ड में, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे इक्विपमेंट्स क्या क्या है, यहाँ पे सारे इक्विपमेंट्स आपके दिए रहेंगे, आप देख सकते हैं कि कितना कुछ दिया हुआ है ओर से, इसमें क्रचेस है, हुक्स है, बेलर, बकेट, सर्वाइवल मैनुअल, कंपास, एवरीथिंग जितना आपको चाहिए सब यहाँ पे जो है लिस्ट दिया हुआ है। उसके साथ साथ जो है देखिए अगर आप भूल भी जाए कि लाइफ बोट का इंजन आप कैसे स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका वो पोस्टर दिया हुआ है, तो सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों। ये आपका एक लाइट भी है। इसके साथ साथ दोस्तों हम लोग जब भी कोई टॉक्सिक कंडीशन के अंदर से लाइफ बोट लेके निकलेंगे, मान लीजिए जिस टाइम पे बाहर में बहुत ज़्यादा आग लगा हुआ है तो आप जो है विंडो खोल के यहाँ से सांस नहीं ले पाएंगे, उसके लिए जो है यहाँ पे दो तीन एयर बॉटल्स भी दिया हुआ है, जिसके चलते जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका गेजेस वगैरह दिया हुआ है, तो जिसके चलते जो है आप सारे सब कुछ बंद कर सकते हैं और अंदर में जो है आप एयर बॉटल खोल के जो है सब लोग सांस ले सकते हैं। इसका एक पॉजिटिव साइड ये भी है
कि मान लीजिए बाहर में अगर टॉक्सिक गैस है और टॉक्सिक गैस अगर लाइफ बोट के अंदर आएगा तो सबको प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसके उस टाइम पे भी हम लोग जो है अंदर में पॉजिटिव प्रेशर रखते हैं। पॉजिटिव प्रेशर क्या होता है दोस्तों? पॉजिटिव प्रेशर अंदर में मतलब जो है बाहर से कुछ भी चीज़, मतलब बाहर का जो प्रेशर है अपना नॉर्मल एयर प्रेशर, उससे प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा रहेगा। इसके लिए बाहर से कोई भी हवा आपका अंदर नहीं आएगा, लेकिन अंदर वाला हवा आपका बाहर जाएगा, पर बाहर वाला हवा जो आपका अंदर नहीं आएगा, तो इसको बोलते हैं आपका पॉजिटिव प्रेशर। तो इसके साथ साथ और भी देख लेते हैं। देखिए ये इंजन का बॉक्स है और कुछ, चलिए और देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए सर्वाइवल, ये रॉकेट पैराशूट एंड सर्वाइवल क्राफ्ट डिस्ट्रेस सिग्नल्स। एक बंदे का तो ड्यूटी रहेगा, जब भी आप लाइफ बोट पे चढ़ते हैं उस टाइम पे ही जो है आपको ब्रीथ से एक्स्ट्रा ये आपका आइटम्स लाना रहता ही है, सर्वाइवल का पायरोटेक्निक्स जो भी हो। उसके साथ साथ इसका एक मेडिकल किट भी है जो आपको मिल जाएगा, जो आप लाइफ बोट इसमें जाएंगे लिस्ट में, उसमें सारे चीज़ जो है आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों यहीं तक, और जुड़े रहिए बीइंग अ सेलर के साथ ताकि मैं आप लोगों को और भी ज़्यादा अपडेट दे पाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।